कौन वार पंजाब दे कौन ए गुड्डी दा ठीक है नहीं ठीक है अपने हाथ में लगी थी आपने मेरी बात को सुनी, मेरे पंचायत से मेरे भाई साहब आए, मेरे छोटे भाई साहब, उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने अगर मेरे भाई साहब ने जो बात रखी है, अगर किसी को भी इस प्रजातांत्रिक देश में हर किसी को हक है कि वो अपनी बात रखे, अगर किसी को मेरी बात पे कोई मुश्किल है तो अपनी कंप्लेंट दे सकता है। जैसे आपको मजेदार बात सुनाता हूँ कि हमारे साहब जी ने कंप्लेंट करवाई थी विधायक साहब ने अपने किसी खास वर्कर से, इन भाई साहब को ये जो पूरी बात कर रहे हैं मैं बोलूंगा प्लीज के मेरे भाइयों को कि ये प्लेटफॉर्म इनका नहीं था। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया है तो हम अपनी बात रखने आए, हम बात रखना है आज मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो घरों की 63 लोगों के घर पड़े हैं उनके घर का पैसा रिलीज क्यों नहीं हो रहा है। मेरे खिलाफ अगर किसी को भी कोई आरोप लगाना है तो उसके लिए कोई ना कोई एजेंसी है, वीडियो साहब है, एसडीएम साहब है, डीसी साहब है, हर किसी के पास जाकर कोई भी कंप्लेंट कर सकता है, तो जाएगा नहीं। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि अभी मैं समझ से बोल रहा हूँ, मेरे को बीच में ना टोका जाए मेरी आवाज, मेरे को बोलना दे जाए उसने, उसके बाद जिस किसी ने भी अपनी बात रखनी है प्रजातंत्र में हर किसी का अधिकार। मैं ये बोलना चाहूंगा क्या ऐसा हो सकता है कि कहीं 10-10 लाख के मनरेगा में 3 काम हो 30 लाख के और वो काम 30 लाख का ना होकर 40 लाख का हो। ठीक है, किसी को शक हो सकता है, हो सकता है नॉलेज की कमी है, मनरेगा को पढ़ा नहीं है, मनरेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर कहीं 10 लाख का एस्टीमेट है तो 10 लाख के अंदर ही काम हो, अगर वो बजट कम होता है तो बजट और माना जाएगा, और अगर 30 लाख के उसमें 41 लाख खर्च कर दिया गया है तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड किया निर्मल पांडे ने। मेरे को यहाँ नहीं होना चाहिए, मेरे को जेल में होना। जो 10-10 लाख के 3 काम थे 30 लाख के, उसमें टोटल जो खर्चा हुआ वो 14 लाख कुछ ही हुआ, 14 लाख की ही असेसमेंट हुई। पर मुद्दा आज ये भी नहीं है,